हेलो बच्चों, रेसिडेंट द क्वेश्चन क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी सेक एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू इनटू सेक एक्स होल स्क्वायर अटेन मिनिमम वैल्यू। फोर ऑप्शंस आर गिवन। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है हमें, बताएं इनमें से किस कंडीशन पर एफ ऑफ एक्स हमारा मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, वो कंडीशन फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है पी सेक एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू इनटू कोस सेक एक्स होल स्क्वायर। ये में फंक्शन गिवन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा टू सेक एक्स, एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। फिर क्यू हमारा क्यू स्क्वायर एज इट इज कोस सेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले कोस स्क्वायर एक्स का कोस सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो टू कोस सेक एक्स आ जाएगा, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस सेक एक्स इंटू कोस एक्स, तो माइनस का हमने ऑलरेडी बाहर लिया है तो फाइनली आ जाएगा cos sec x into cot x. So this implies f dash x is equal to f dash x is equal to ये finally आएगा 2p square into sec square x into tan x and minus 2q square into cos sec square x into cot x. तो फोर मैक्सिमम मिनिमम अटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल हम पुट कर देंगे। इसको हमने क्या पुट किया, जीरो के इक्वल, तो हमें कंडीशन मिल जाएगी दिस इंप्लाइज टू पी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू क्यू स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स आ जाएगा। तो कोट एक्स को अगर हम इधर लाए एन कोस सेक कोसेक स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो ये फाइनली आ जाएगा टू पी स्क्वायर इंटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू में आएगा टेन एक्स और इंटू में आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो और क्यू स्क्वायर, सॉरी इधर बचेगा टू क्यू स्क्वायर, तो टू से तो टू कैंसल आउट हुआ तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये भी और इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बनेगा और इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर एक्स का इसको ले सकते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन पी के इक्वल। यहाँ से भी कंडीशन मिल जाएगी ना, बिकॉज टेन स्क्वायर एक्स का जो होल स्क्वायर है वो क्यू अपॉन पी के होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।